पेपलुम ग्राम में पुकार फाउंडेशन उदयपुर के संस्थापक भुवनेश ओझा, हरीश शाहपुरा पर्यावरण संवर्धन संस्थान के दिनेश सिंह भाटी, जय किशन घुसर, सिद्धांत घुसर, नरेश खटीक व जनसेवा ट्रस्ट के बबलू साहू, दुर्गालाल खटीक आदि के पेपलुम सरपंच वेद प्रकाश खटीक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण संवर्धन तथा पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए आने वाले समय में पेपलुम ग्राम में मियावाकी पद्धति से दो जंगल विकसित किए जाने पर चर्चा की गई, जिसमें लोगों में पर्यावरण प्रति दायित्व बोध जिम्मेदारी का भाव विकसित हो सके। पुकार फाउंडेशन के संस्थापक भुवेश ओझा ने मियावाकी कृत्रिम जंगल स्थापना की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया, साथ पुकार फाउंडेशन का इस कार्य में हर प्रकार का सहयोग रहेगा ऐसा आश्वासन दिया। हरीश शाहपुरा पर्यावरण संवर्धन संस्थान के दिनेश भाटी ने शाहपुरा ने लगाए कृत्रिम जंगल की सफलता और उसके परिणामों पर प्रकाश डाला। पेपलुम सरपंच ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण व उसकी देखरेख वर्तमान समय की मांग है। मियावाकी पद्धति से शुरुआत में दो कृत्रिम जंगल में विकसित किए जाएंगे, जिनका भविष्य में विस्तार किया जाएगा। मियावाकी एक जापानी वनीकरण विधि है, इसमें पौधे को कम दूरी पर लगाया जाता है। पौधे सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस पद्धति से सीमित संसाधनों में पौधारोपण कर तीव्रता से हरियाली बढ़ाई जा सकती है। समापन से जन सेवा ट्रस्ट के बबलू तेली ने सभी का आभार प्रकट किया। साथ ही इसने प्लांट जो कि इंडोर एयर को फिल्टर करने की मदद करता है तथा अपराजिता, सुदर्शन आदि पौधे भी लगाए गए।